हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय किचन। तो आज हम ये ग्लूकोन डी बनाने जा रहे हैं। वैसे तो ये ग्लूकोन डी सभी को बनाना आता है, पर जिसको नहीं आता है वो भी बहुत ही आसान तरीके से इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो आइए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक ग्लास लिया हुआ है, हमने यहाँ पर ये कांच का ग्लास लिया हुआ है। अब हम इसमें आइस क्यूब डाल देंगे। अगर आपको ठंडा नहीं पसंद है या ठंडे पानी में आप इसे नहीं बनाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल पानी में भी इसे बनाकर रेडी कर सकते हैं। हमने यहाँ पर दो आइस क्यूब ले लिए हैं, एक और आइस क्यूब हमने इसमें डाल दिया है। इसके बाद हम इसमें डालेंगे चीनी। तो चीनी आप इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं, कम या ज़्यादा। यहाँ पर हमने 2 चम्मच चीनी लिया हुआ है। तो इसके बाद हमने यहाँ पर ये ग्लूकोन डी ले लिया है। इस तरह से हमने ऑरेंज फ्लेवर की ग्लूकोन डी लिया है, आप कोई भी ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 चम्मच ग्लूकोन डी लिया हुआ है। इस तरह से 2 चम्मच हमें ग्लूकोन डी ले लेना है। इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे। आप नॉर्मल पानी या ठंडा पानी जिसमें आपको पसंद हो उसमें आप इसे ऐसे बना लीजिए। तो इस तरह से हमने इसमें पानी डाल दिया है, ये देखिए। अब हम इसे एक चम्मच से इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो इस तरह से हमें इसे ऐसे मिक्स कर देना है ताकि चीनी अच्छे से घुल जाए। आप चाहें तो यहाँ पर चीनी का पाउडर भी ले सकते हैं। चीनी को आप मिक्सी में पीस लीजिए, फिर उसे आप 1-2 चम्मच इसमें ऐड कर दीजिए, उससे ये जल्दी घुल जाती है चीनी। आई होप कि हमारी ये ग्लूकोन डी की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो यहाँ पर ये ग्लूकोन डी बनकर रेडी हो गई है। आप इसे बच्चों को पिलाइए, ये बहुत ही एनर्जेटिक होता है। ये देखिए, बहुत ही टेस्टी है ग्लूकोन डी। थैंक यू फॉर